शांति। इस सृष्टि का रचनाकार समस्त मानव आत्माओं का पालनहार मीठा शिव बाबा, जो कि अनंत गुणों का भंडार, सर्व शक्तियों का स्रोत, ज्ञान का विशाल सागर जिस तरह है, उसी प्रकार उसकी मीठी संतान हमारी प्यारी मम्मा भी कई गुणों की खान थी। जिस तरह मम्मा ज्ञान योग में एक्सपर्ट थी, बहुत शौकीन थी, तो उसमें विशेष ये देखने में आता है कि मम्मा इस ज्ञान योग में कैसे आगे बढ़ी। तो उसका मेन आधार रहा मम्मा की गंभीरता। मम्मा गंभीर और रमणीक दोनों गुणों का जैसे एक बैलेंस था, और इसी गंभीरता के कारण मम्मा हमेशा अंतर्मुखी रहती थी। भले ही ज्ञान योग करने के समय तो वो एकाग्र रहती ही थी, पर कर्म क्षेत्र पर भी मम्मा हमेशा अपने ही स्वस्मृति में, स्वमान की स्मृति में रहकर कर्म योग करती रहती थी। तो ये मम्मा की जो अंतर्मुखता है वो हमें अवश्य ही याद दिलाती है, जो कि बाबा की बात की, बच्चे आप सदैव अंतर्मुखता की गुफा में रहकर स्व में या बाप की यादों के अंदर रमण करते रहो, या प्यार के सागर के साथ लहराते रहो। तो ऐसे ही मम्मा का भी जीवन था, जो सदैव अंतर्मुखी रहते हुए जैसे गुफा में बैठी है और ज्ञान रत्नों से वो अपने साथ मनन कर रही है। यही ज्ञान रत्न जो उसको भविष्य में भी सुशोभित श्री लक्ष्मी बनाते हैं, और वर्तमान संगम पर वो विद्या की देवी सरस्वती कहलाई। यही अंतर्मुखता की गुफा ने उसको इन दोनों देवियों का एक जैसे सम्मिश्र मिलन बना दिया। ऐसी थी मीठी मम्मा। ओम शांति।